पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ फॉर टेकिंग मी इनटू कंसिडरेशन टू स्पीक अबाउट अ लेजेंड, अ वेरी वेल नोन फिगर. कुछ उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है. उनका कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में रहा है. कोई फील्ड ऐसी नहीं है जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने टच ना करी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे सोशल अपलिफ्टमेंट हो. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो विमेन एजुकेशन, विमेन लिबरेशन पे. सैयद अहमद ख़ान साहब ने, जैसे कि आगे हमने ये देखा कि उनको जो भी यहाँ के हालात थे, जो भी कंडीशंस थे, उससे फॉर अ टाइम ही वॉज डिस्टर्ब्ड एंड ही वॉन्टेड टू लीव द कंट्री एंड गो. बट वो कोई सोल्यूशन नहीं था कि वो यहाँ से एग्जाइल में चले जाते, तो उस तरह कैसे वो इतना बड़ा अचीवमेंट या काम कर पाते जो उन्होंने किया. अल्टीमेटली ब्रिटिश, उनकी मदद से उन्होंने चाहा कि यहाँ एक अपलिफ्टमेंट कॉज किया जाए या एजुकेशनल फील्ड में काम किया जाए, क्योंकि लिटरेसी ही पावर्टी का के लिए ज़िम्मेदार है. लिटरेसी के लिए उन्होंने काम करा जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इसका अंदाज़ा नहीं है कि हाउ मच ही वर्क फॉर द विमेन अपलिफ्टमेंट ऑल्सो, जिसमें उनकी जाहिर सी बात है अपनी वालदा का एक इम्पॉर्टेंट किरदार था, रोल था, जो उन पे काफ़ी असर करा. इसका अपब्रिंगिंग माँ ने करी, उसके अलावा एजुकेशनल जो एजुकेशनल बैकग्राउंड थी वो भी उनकी वालदा ही की वजह से उनको इतनी नॉलेज और इंसाइट मिला. घर ही पे रहे ज़्यादातर, घर पे उनकी पढ़ाई हुई, और उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि यहाँ पे 3-7% लिटरेसी है, जिसमें ऑब्वियसली विमेन एजुकेशन इज़ लेस देन 1%. तो विमेन एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कंट्रीब्यूट करा फॉर विमेन एजुकेशन और उसको रेवोल्यूशनरी बनाने की कोशिश करी. उसके अलावा उन्होंने कहा एजुकेशन शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड स्पेशली फॉर विमेन ऑल्सो. उनके साथ जो भी डोमेस्टिक वायलेंस था, जो भी उनकी कंडीशंस थी औरतों की उस वक़्त, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने आवाज़ उठाई. और इस पर्पस के लिए उन्होंने डिफरेंट सोसाइटी इस्टेब्लिश करी, जर्नल्स में लिखना शुरू करा, और उनसे उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन था उससे ऐसा नहीं है कि लोग अफेक्ट नहीं हो रहे थे. मेल एजुकेशन, बॉयज़ एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन या सोशल अपलिफ्टमेंट तो ऑलरेडी कॉज हो ही रहा था ऑब्वियसली विद द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर हियर. बट साथ साथ देखा ये गया कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, जिसमें हम कंट्रीब्यूशन फॉर वुमेन एजुकेशन शेख अब्दुल्ला का नहीं भुला सकते हैं. शेख अब्दुल्ला साहब, उनकी बेगम आला भी, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, उन्होंने स्टार्ट करा वुमेन एजुकेशन को, गैल्वनाइज कर दिया ऑलमोस्ट. और जैसा कि अब आप देखेंगे कि सिटी एरिया में प्राइमरी स्कूल है, अब्दुल्ला स्कूल जो है, वो एजुकेशन की शुरुआत उन्होंने वहाँ से करी. और यही नहीं है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि उनकी वाइफ आला भी, वो इतना हद तक इन्वॉल्व थी कि बच्चियाँ जिनको वो हॉस्टल में रखती थी उनको पर्सनल तौर पे अटेंड करना, उनकी देखभाल करना, उनके खाने का ख्याल करना, उनके सरों में तेल लगाना, यानी शी रियली लुक्ड आफ्टर दो स्मॉल गर्ल्स एज हर ओन चिल्ड्रन, एज हर ओन फैमिली. तो जो भी काम सर सैयद अहमद ख़ान ने एज अ विजनरी, विजन था उनका फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन ऑल्सो, बिकॉज जब तक घर की औरतों को आप एजुकेट नहीं करेंगे, कोई भी घर, कोई भी फैमिली एजुकेटेड नहीं मानी जा सकती हैं. तो उस चीज़ को शेख अब्दुल्ला ने आगे बढ़ाया. आज हम देखते हैं कि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब तो देखा जाए तो लड़कियां हर जगह से आ रही हैं, पढ़ रही हैं, और इतना बड़ा एक डिग्री कॉलेज इस्टेब्लिश हो गया, अब्दुल्ला कॉलेज या वुमेन्स कॉलेज जिसको हम कहते हैं, जहां पे मिनिमल फीस रखते हुए, मिनिमल पैसा खर्च होते हुए बेस्ट ऑफ एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है फॉर द वुमेन. तो ये हम कहेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब का अलॉन्ग विद डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. वे ही वॉज़ इंस्पायर्ड बाय हिज मदर, वे ही वॉज़ इंस्पायर्ड बाय द सराउंडिंग्स ऑफ हिज ओन फैमिली, एंड दैट इज़ हाउ वी सी दैट
today so many people, women are coming out rather, I would say, and getting educated and thinking in different lines and approaching different fields to progress themselves. This is all that I would like to say.